गुड मॉर्निंग बच्चों, वो हमारी वीडियो अधूरी रह गई थी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रहा था। देखिए, साथ की साथ एग्जाम नोट्स बनाते रहना, अपने तैयार करते रहना घर पर। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैसे तो कितने भी टाइप्स की बनाई जा सकते हैं, तो लेकिन अपने मेनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मेनली अपने तो दो ही आती हैं भाई, जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो ही हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। तो देखिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा था आपने कि इट इज़ द सम ऑफ द पावर, पावर कैस का, हाँ पावर, इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द, पावर ऑफ द किसकी पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की इन द रेट ला एक्सप्रेशन, इन द रेट ला एक्सप्रेशन। तो अब कौन सा है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं जीरो ऑर्डर कब होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या थी आपकी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन याद रखना जीरो ऑर्डर है, ऑर्डर तो जीरो है उसका, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, रिमेंस कांस्टेंट। तो ये बताएगा जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी दोज रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। एग्जांपल है H2+Cl2, यानी HCl में कन्वर्ट हो गया, यानी UV की प्रेजेंस, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में है, तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका आगे है भाई इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वो देखिए, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए कैसे निकालते हैं। लेट कंसीडर कर लो कोई ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू बी प्रोडक्ट, लेट कर लिया आपने, लेट कंसीडर ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी, कोई ए रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है तो हमेशा नेगेटिव भाई, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, किसके अकॉर्डिंग लिया है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया है। तो देखिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेट ला, अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट ला के अकॉर्डिंग देखिए, रेट ला के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो देखना है आपने, इज इक्वल टू द के इनटू में क्या है कि ए रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन, यानी इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या थी, ए, और इसकी पावर क्या होगी, वन, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो आपने क्या माना है, ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या माननी चाहिए थी आपने, ए, और इसकी कोफिशेंट क्या, वन, वन लेके चलना। बट लेकिन याद रखना आप कौन से ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो इसलिए आप क्या मान के चलोगे, यहाँ जीरो क्या मान के चलोगे, पावर क्या रहेगी, जीरो, क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि आपने पढ़ा था ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द, पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट ला एक्सप्रेशन। तो अब इसका सम वन ले लिया तो सम कैसे होगा, तो किसके लिए मान के चले हैं, लेट ए रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ऑर्डर क्या रहना है, जीरो, जीरो रखना है। तो देखिए ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, के, ये तो समथिंग की पावर जीरो क्या था, वन, तो इसका मतलब क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया,
अब आपको पता चलेगा क्या है इज इक्वल टू के, तो इक्वेशन सेकंड कंपेयर कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया तो क्या मिलेगा आपको, देखो दोनों साइड में क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर, तो माइनस क्या आ जाएगा डी ए अपॉन में क्या आ गया डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया के। तो आप क्या करोगे डी ए अपॉन में क्या आ गया डी टी, ठीक है इज इक्वल टू माइनस का के। तो देखिए इसमें आपने क्या निकालना था, इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालना, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दो भाई, ठीक है इंटीग्रेटेड बोथ साइड याद रखना आपने, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा डी ए अपॉन में क्या आ गया डी टी, ठीक है तो इज इक्वल टू क्या आ गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा माइनस साइन इंटू में क्या है के, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कैसे, देखो इंटीग्रेशन का रूल देखिए ध्यान से, हम साइड में देखते हैं एक बार इंटीग्रेशन का क्या है, ये बताते हैं इंटीग्रेशन में डिप, ये ज़रूरी है आपके लिए ध्यान रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पहले एक बार डिफरेंशिएशन देखो, यदि x का डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, यदि y का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, तो याद रखना ठीक है। अरे देखो यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मान लो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया तो जीरो चाहिए, पाँच होता तो भी जीरो, तो अब एक बात याद रखनी है ठीक है, यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो कोई कांस्टेंट का ठीक है के आ जाएगा, और देखो x की पावर के मान के चल रहे हैं जीरो मान के चल रहे हैं k के साथ, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा k के साथ क्या आ जाएगा x की पावर जीरो, यानी समथिंग की पावर क्या है जीरो, यदि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको t ले लेंगे ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आ जाएगा ठीक है, वो तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए कि भाई क्या ले कर चलें इसके साथ ठीक है, तो टी है तो टी, और यदि x होता तो x के रेस्पेक्ट में होता ठीक है नहीं, तो वो तो आपने ध्यान रखना है, या फिर जनरली देखा जाए तो आप यूँ भी कर सको हो इसको ले जाया जा सके है, कैसे कन्वर्ट करो इसको भूल जाओ अब इस बात को कि भाई ऐसा भी है, इससे पहले इस स्टेप से पहले देखो क्या आ जाएगा डी ए अपॉन में क्या है अपॉन को छोड़ो साइड ले जाओ मल्टीप्लाई में आ जाएगा के इंटू क्या गया डी टी, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन ए इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के, के कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा इसका क्या आ जाएगा टी, और कुछ कांस्टेंट था जिसका जिसके आपने जीरो मान लिया था उसके कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी वन मान लो या फिर आई वन ठीक है आई वन, तो अब देखो कोई ना कोई तो कांस्टेंट आपने लेकर चलना पड़ेगा ठीक है, तो अब देखो अब आपको पता चल गया यहाँ से के टी है इसको इधर ले आओ ए को इधर ले आए ठीक है, या फिर आप सीधे में सीधा क्या करो देखो भाई आगे चलो दूसरे वे में ये कहा जा सकता है, देखिए के टी को इधर ले तो क्या आ गया के टी इज इक्वल टू आई वन माइनस का क्या आ गया ए। अब देखो अब बात चल पड़ी दो चीज़ें हैं आपके पास, आई वन कैसे निकालें, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाए, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का कैसे निकाला जाता है देखिए, जब टाइम टी जीरो था तो उस समय चेंज इन कंसंट्रेशन जो थी वो क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर थी, क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, तो इसको इसमें अप्लाई करो ठीक है, इसको इसमें अप्लाई करो, अप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा अब देखो क्या मिल जाएगा वो चीज़ देखिए आप क्या मिल जाएगा आपको, देखो भाई के टी तो है ही आपके पास, देखो के टी इक्वेशन एक बार उतार लिया आपने ए नोड माइनस क्या गया ए, तो आपने क्या है टी जीरो अप्लाई कर दिया तो उस समय ए जो थी आई वन था ठीक है, तो अगला स्टेप लिखिए तो ए क्या है आपका देखो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, तो इसमें अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा ये तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया आई वन माइनस का क्या आ गया ए नोट, तो इसको इधर लेके जाएं तो आई वन इज इक्वल टू क्या आ गया ए नोट, इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में तो क्या आ गया के टी इज इक्वल टू क्या आ गया ए नोट माइनस का ए ठीक है, तो अब टाइम पीरियड निकालना है तो ए नोट माइनस का ए अपॉन में क्या आ गया के
के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, ए नोड माइनस ए अपॉन में क्या आएगा टी, ठीक है। फॉर हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए है, फॉर हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के लिए कैसे निकालते हैं वो देखिए, ठीक है। देखो टाइम टी के लिए मांगे, टी हाफ के बराबर हो जाएगा हाफ लाइफ के लिए, ठीक है। तो टी के जगह टी हाफ के बराबर, और चेंज इन कंसंट्रेशन की हो जाएगी इनिशियल की हाफ, इनिशियल की थी ए नोड, तो इसमें अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा। अब देखो टी हाफ निकालना है तो टी को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो वन बाई के इंटू में क्या आ गया ए नोड माइनस का क्या आ गया ए नोड बाई टू, तो टोटल क्या आ गया, देखो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया वन बाई के, इसका एलसीएम लेके निकालोगे तो क्या आ जाएगा इंटू में ए नोड बाई टू, यानी कि टोटली क्या आ गया टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास ए नोड अपॉन में क्या है टू के, ठीक है। तो ये क्या आ गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट नहीं सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन।